की पत्नी आफसा अंसारी और उसके दो साले एका नजाती थे। चार लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली क्षेत्र में एक केस दर्ज किया गया है, पूरा प्रकरण क्या है? 24 तारीख में एक मसूद आलम नाम के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि उनके व उनके तीन अन्य सहयोगियों के द्वारा एक विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी बनाई गई थी। कालांतर में वर्ष 2010 और 2012 में आफसा अंसारी, अनवर सज्जाद और वे अन्य इनके जो भाई हैं, इन्होंने धमकी देकर, डरा धमका कर, जान से मारने की धमकियां देकर उनकी कंपनी में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था और उस कंपनी के जो भी एसेट्स थे, जो उनके द्वारा बताया गया है कि मसूद आलम के करीब 76 लाख रुपए थे, वह अन्य के मिला के करोड़ों रुपए थे, उस पर भी इन लोगों ने एक्सट्रॉट कर लिए थे। इसी को लेकर उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया गया था। प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध होने के फलस्वरूप इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे, जो भी दोषी हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है इसमें कुछ और भी लोग आएंगे, इन जब इसकी विवेचना आगे बढ़ेगी तो हो सकता है इसमें कुछ और लोग भी इसके दायरे में आएँ, तो सभी के विरुद्ध जो नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई है वो की जाएगी। मोटे तौर पर सर, ये विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी या फर्म जो भी थी उसकी ये सब शेयर होल्डर थे और हिस्सेदारी हड़पने का मामला है क्या? पूरी कंपनी हड़पने का है, क्योंकि जो ओरिजिनली प्रमोटर्स थे इस कंपनी के, जो इन्होंने अपनी FIR में अंकित कराया, केवल उनमें से एक व्यक्ति रहा है, बाकी सबको गलत तरीके से, क्योंकि किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स की अदला बदली की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उस निश्चित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है और बाकी ये सब चीज़ें अभी और जब विवेचना होगी और चिटफंड जो रजिस्ट्रेशन सोसाइटी है उससे भी इसके बारे में जानकारी की जाएगी, क्या नियम है क्या नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया नियम विरुद्ध जाके उसके जो भी कंपनी की मालिकाना हक है वो छीना गया है एक तरह से। किस सन में सर ये रजिस्टर्ड हुई थी पहली बार? ये जो इन्होंने प्रार्थना पत्र में